शहनाज कौरगिल के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, शहनाज कौरगिल फाइनली अब दुल्हन बनने वाली हैं। किससे करने वाली हैं शहनाज कौरगिल शादी, पूरी जानकारी दी जाएगी बिग बॉस सीजन 13 के घर में। शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ शुक्ला का दिल जीता था और अब कौन है जो उनके दिल पर राज कर रहा है, किस शख्स से शहनाज कौरगिल शादी करने वाली है, वो क्या करता है, पूरी जानकारी दी जाएगी आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहे, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लिस्ट विस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों शहनाज कौरगिल इस वक्त छोटे पर्दे की काफी बड़ी हस्ती बन गई हैं। वो एक घंटे के अब करोड़ों रुपए चार्ज करने लगी हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के बाद वो किसके हाथों में अपना हाथ देंगी, किसके नाम का चूड़ा पहनेंगी, किसके नाम का सिंदूर लगाएंगी। दोस्तों काफी सारे सवाल उठते हैं शहनाज कौरगिल पर। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि शहनाज कौरगिल जो है गुरु रंधावा को डेट कर रही है, तो कई बार फैंस ये भी सोच लेते हैं कि शहनाज कौरगिल जो है वो राघव से शादी करने वाली हैं। हालांकि इसके बारे में अब तक शहनाज कौरगिल ने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर सूत्रों की माने तो शहनाज कौरगिल बहुत ही जल्द राघव के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। शहनाज कौरगिल ने काफी बार अपने फैंस के सामने इस बात का जिक्र भी किया है कि राघव काफी अच्छे दोस्त है उनके। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद अगर कोई उन्हें समझ पाता है तो वो राघव ही है। तो फैंस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल जो है वो राघव को अपना दिल भी दे बैठी हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके हिसाब से शहनाज कौरगिल के लिए बेस्ट कौन है, उस शख्स और उस एक्टर का नाम अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में इतनी सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।